हाँ बाबा आ रही हूँ। हाँ है तेरे नोट्स मेरे पास। हाँ बस सैंडल में पॉलिश करवा के आती हूँ। अबे ओए सुन, ये शूज साफ कर। सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम। क्या? सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम। मतलब सुंदर लड़की देगी नहीं, लगे इंग्लिश जानने। इंग्लिश की दो लाइनें क्या सीख ली? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? अगर इतने ही पढ़े लिखे होते ना तो यहाँ पे मोचगिरी नहीं कर रहे होते, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते। देखिए मैडम, डोंट वेस्ट माय टाइम, ठीक है? आगे जाइए आप। क्या? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। फिर अंग्रेजी बोली तूने, पहले तो मुझसे हिंदी में बात कर, ये ज्यादा रॉब जाने की जरूरत नहीं, समझ में आया? अच्छा ठीक है मैडम, क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप बाद में आना, ठीक है? अच्छा तो आ गया ना अपनी औकात पे तू। वैसे तेरे ऊपर ये इंग्लिश सूट नहीं करती। और क्या कह रहा है तू, पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई करके भी कौन सा तूने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेनी है? करना तुझे मोचीगिरी है तो थोड़ी अपनी औकात में रह के इंग्लिश बोला कर। और एक काम किया कर, तू इंग्लिश बोला ही मत कर, क्योंकि तेरे ऊपर तो सूट करता ही नहीं है, समझ में आया? अपनी लिमिट में रहना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड को ये हिंदी गंवार लैंग्वेज ही समझ में आती है। और ये इंग्लिश बोल के तुम कहीं के हीरो नहीं बन जाते हो, करोगे तुम ये मोचीगिरी ही, समझ में आया? वैसे भी मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया तुमसे बकवास करके, मुझे नहीं करवाना कोई चप्पल उप्पल साफ। क्या हो गया आजकल इन फुटपाथ वालों को? मुझसे इंग्लिश बोल रहा था, इनके बाप दादा भी तीसरी फेल थे, औकात याद दिला दी साले। आ गई तू? हाँ यार, कितना टाइम लगा दिया यार, इतने देर से मैं खड़ा हूँ यहाँ। क्या यार, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। हाँ हो गया लेट, एक तो SSC के एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया, मूड क्यों खराब है तेरा? क्या बताऊँ यार, मेरा बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। एग्जाम सर पे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या पढ़ूँ, क्या याद करूँ, किसके नोट्स बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तू पागल है, जब मैंने तुझसे कई बार कहा है कि तू घर पे रह के पढ़ाई कर, अगर मगर नहीं, तुझे तो इधर उधर घूमना है, तुझे तो हर चीज़ तो पैसे से ही खरीदनी रहती है ना। अभी नोट्स खरीदना है, ऐसे रोड पे घूमेगी ना तो कैसे काम चलेगा? तू पढ़ाई पे ध्यान दे ना, कोई ऐसा लड़का मिलेगा ना जो नोट्स पे तेरे टिक लगा सके, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। अरे यार कर तो रही हूँ मेहनत, पढ़ाई कर तो रही हूँ, पर यार एवरेज नंबर भी आ जाए तो सही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ूं क्या मैं? इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कम टाइम में तू कंप्लीट कर पाएगा? नहीं यार तू टेंशन मत ले, तू पास हो जाएगी, बस अपनी मेहनत पे ध्यान दे, अगर कोई जुगाड़ होता है ना मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है सुन ना, मैं नोट्स लेने जा रही हूँ। ठीक है तू जा। यार इस लड़के का कुछ ना कुछ जुगाड़ कराना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से उसको पास कराना पड़ेगा, वरना ये टेंशन के मारे कुछ कर लेगी। ए आकृति, तुम यहाँ कैसे? कैसे हो? बढ़िया, अपना बताओ। यार मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा वैसे तो काफ़ी हेल्दी लग रही हो, जिम जा रही हो कि नहीं? हाँ जा रही हूँ, छोड़ ना जिम में, मैं एग्ज़ाम देख सर पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यार तू तो मेरी हेल्प कर दे यार, मेरा फ्रेंड है। हेल्प तो मैं कर दूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे यार मैं पास हो जाऊँगी तो पार्टी दूंगी ना, चलेंगे अपन लोग कहीं घूमने। पार्टी? पार्टी तो मैं रोज किया करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना जिसमें मुझे तो मजा आए, साथ ही साथ तुम्हें भी मजा आए,
समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आदर्श, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे यार देखो, तुम्हें करनी है पढ़ाई, करनी है ना? हाँ। और देखो मेरा हो चुका है ब्रेकअप, ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला नहीं, तो क्यों ना वो जरूरतें जो मेरी गर्लफ्रेंड पूरी किया करती थी वो तुम पूरी कर दो। नहीं आदर्श, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम मेरे फ्रेंड हो। अरे यार मेरी बात तो सुनो, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे ये सब नहीं पसंद है। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम मेरे फ्रेंड हो यार, तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? सिर्फ चलती है, समझा करो मेरी बात। तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? हाँ मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। बात तो सुनो, देखो डोंट टच मी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े पढ़ाकू या किसी लड़की की ऐसे तुम ब्लैकमेल करके तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे? नहीं करनी मुझे ऐसे पढ़ाई, बदतमीज कहीं के। क्या हुआ यार, क्यों मुझे इतनी गर्मी में छत पे बुलाया? अच्छा कसम मैं रूम में बैठ के पढ़ रही थी। अरे कल तक तो तू पढ़ाई नहीं करती थी, आज कहाँ से पढ़ाई करने वाली बन गई? और हाँ वैसे भी मैंने तुझे अपने काम के लिए नहीं बुलाया है। पास होना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तेरे से तो कुछ होना है नहीं, कहीं से नोट शोट तो दिला नहीं सकता तू, पढ़ना तो पड़ेगा ही मुझे ना। अरे यार वो तूने कहा था ना कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवा देना, तो मेरा एक दोस्त है यार, मेरे को याद ही नहीं आया, मेरा दोस्त इतना पढ़ता उड़ता भी है, तो मैं उसके पास तुझे ले चलता हूँ, तू अपनी नोट्स ले लेना, वो उस पर टिक लगा देगा। अच्छा तो कब चलना है? कल चलते हैं फिर। ठीक है कल चलते हैं, पर हाँ खुद से भी कुछ पढ़ लेना, उस टिक के भरोसे ना रहना। हाँ यार पढ़ती तो हुई, मैं तो पढ़ूंगी। और मेरे दोस्त ने ये भी बोला है ना, इतने नंबर उसके आ जाएंगे ना कि वो लड़की पास हो जाएगी। अच्छा अगर ऐसा होते तो मैं, सुन ना यार, उसे कुछ पैसे दे दूंगी। यार तू फिर पैसा बीच में ले आई, हर चीज में पैसा बीच में नहीं लाते हैं, वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो तेरे लिए मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है कि वो तेरे लिए टिक लगा देगा। चल ठीक है, अच्छा कल मिलते हैं फिर, मैं चलूं? हाँ तू जा। ओके पढ़ाई कर जा। हाँ अभी लड़कों की दोस्ती को तुम जानती कहाँ हो, वैसे भी लड़कियाँ दोस्ती कहाँ ही कर पाती हैं सही से, अब लड़कों की दोस्ती ही अच्छी होती है, ना साला पैसा बीच में आता है ना कभी प्यार बीच में आता है, लड़कियों का अलग ही रहता है सिस्टम। यार तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, इतना तो करवा दूंगा कि तू पास हो जाएगी, और थोड़ी बहुत मेहनत तू भी कर लेना। हाँ यार। रोहित भाई ये वही लड़की है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यार टिक लगाने हैं। अबे रुद्र तो मुझे कहाँ ले गया, किसके पास? ठीक है नोट दे दे मैं लगा दूंगा। अबे रुद्र तू पागल वागल हो गया है क्या, तू इसके पास लेके आया मेरे को, ये क्या मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगाएगा? इसे खुद को आता होगा कुछ, और तूने कैसे सोच लिया कि ये पढ़ा लिखा होगा? यार क्या हो गया तुझे, ये कैसे बोल रही है उससे? ये क्या बोल रही हो, क्या मतलब है यार? तूने मेरे साथ प्रैंक प्रैंक करने के लिए बुलाया मुझे, ये टिक लगाएगा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे? इसे खुद का तो आता नहीं होगा, बस बुक लेके टहला करता है क्या? मतलब हाथ में बुक पकड़ने से कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है? पागल है क्या यार, क्यों टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा इसके चक्कर में? अरे यार तू पागल हो गई है क्या, UPSC की तैयारी कर रहा है, मैं तुझे इसके पास इसीलिए लेके आया था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तुझे टिक लगा देगा। क्या यार पासिंग मार्क्स, अगर इसने टिक लगाया ना तो मेरा जो पास होना है वो भी फेल हो जाऊंगी। तू भी यार मजाक करता है, पागल है क्या? यार तू पागल है क्या, 10 साल से भाई तैयारी कर रहा है, छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकाल दिया था उसने, लेकिन यार इसको ना UPSC क्लियर करना था, और तू इससे बदतमीजी से बात कर रही है। अबे यार वो तो दिख ही रहा है इसकी हालत देख के कि कौन सी इसने नौकरी क्लियर करी होगी और कौन सी किसके चक्कर में बैठा हुआ है। अगर इतना ही पढ़ा कूदा तो क्यों नहीं कर ली जॉब यार, पे ऐसे जूते पॉलिश क्यों कर रहा है? ओ हेलो, तूने मुझे समझ क्या रखा है, यहाँ बैठ के मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ तो आरा गया ना समझ रखा है क्या? बीटेक एमटेक सब कुछ करके रखा हूँ मैं, और कितने सारे एग्जाम क्लियर कर दिया उसने, मुझे ही पता है। वो तो मेरे छोटे भाई का सपना था कि IAS ऑफिसर बने, लेकिन उसकी किडनी फेल होने की वजह से वो IAS ऑफिसर नहीं बन सका, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, कम से कम वो तो नहीं बना, मैं तो बन सकता हूँ, उसका सपना तो पूरा कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ मोची का काम करते हुए देख कर तुम लोग मुझे आरा गया समझ रखे हो क्या? अगर मैं भी चाहता ना तो खूब सारे मोची वाली दुकानें और खोल लेता, लेकिन मुझे किसी काबिल बनना है, किसी के लायक बनना है, अपने भाई का सपना पूरा करना है, समझ में आया? और मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ ना, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, वो मुझे बनाए IAS ऑफिसर ना बनाए, तुम लोग कौन होते हो? और वैसे भी
इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ये सब काम करके आई सुबह से तैयारी कर रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, परचून की दुकान चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। जब चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है नरेंद्र मोदी जी, तो हमें क्यों नहीं बन सकता ये ऑफिसर? और सबके बाप अमीर नहीं होते हैं, कुछ लोगों के तो ऐसी भी कंडीशन है जिसकी फैमिली नहीं है, लेकिन वो अपना खर्चा चलाते हैं, कुछ काम करके ऐसा छोटा मोटा और पढ़ाई करते हैं ताकि खुद का सपना पूरा कर सके और अपने घर को अच्छे चला सके। समझ में आया? रहने दे रोहित भाई, इसके नोट्स पे ना टिक मत लगाना, इसको फेल होने दे तब इसको समझ में आएगा। अरे नहीं रुद्र भाई, गलती इसकी नहीं है यार, गलती तो समाज की है जो एक छोटा मोटा काम करने वाले लड़के को आदमी को समझ लेते गवार है, छोटा आदमी है, लेकिन गलती इसकी भी नहीं है यार। और वैसे भी ये छोटा काम सिर्फ देखने में लगता है यार, लेकिन इस काम जो करता है ना वो बहुत बड़ा होता है यार। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फल की दुकान चलाते हैं, चाय बेचते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, टैक्सी चलाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत रहता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, उन लोगों को गवार समझ लेता है, नीचा समझ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, ला मैं नोट्स बना दूं। रहने दे रोहित भाई। अरे यार मैं बना देता हूं यार। देखा ना रोहित भाई का दिल कितना बड़ा है, तो इसे कब से क्या क्या बोलती जा रही थी, मगर तब भी उसने तेरे नोट्स पे टिक लगाने के लिए। वो अपनी फैमिली भी चलाता है, अपने छोटे भाई को भी देखता है और यहाँ मोची का भी काम करता है और साथ साथ पढ़ाई भी करता है। तुम्हारा जैसा नहीं है कि अपने बाप के पैसे से अय्याशी करता है, चाहता है ना तो वो भी अय्याशी कर सकता था, मगर नहीं, उसे एग्जाम क्लियर करना था, उसको इसी दुकान से ही पैसे कमा के। ये लो। थैंक यू भैया, मुझे नहीं पता था आप इतने पढ़े लिखे हैं, सॉरी मैंने आपको जज किया। वैसे अगर आपको पैसे चाहिए हो तो मैं दे सकती हूँ। अरे यार मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, अगर पैसे वैसे चाहिए ना ऐसे टिक लगा के तो बहुत सारे लोग हैं, नेकी भी कोई चीज़ होती है, और वैसे भी हम गरीब लोग हैं यार। ये सब काम करके अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन भी गया ना पढ़ाई लिखाई करके, तो बच्चों के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँगा जहाँ अच्छी कोचिंग हो सके, और जिनके पास पैसा नहीं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो वहाँ पढ़ चुके हैं। पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, अगर पैसे ले भी लेता हूँ ना तो आगे जाके मेरा भला तो ना होने वाला है, कुछ पैसे मिल जाएंगे मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, मेरा छोटा भाई खुश हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जो अंदर का जमीर है ना वो गवाही नहीं देता इस चीज़ को। तो रुद्र भाई इसको लेके जाए यार। ठीक है यार, तू हर चीज़ को ना पैसे से क्यों तोलती है, चल यहाँ से अब। ठीक है, पेपर देने के बाद मिलना। ठीक है ठीक है रोहित भाई, ठीक बाय। ओके।